मेरे जितने पिछले अगर आप शोज़ उठा के देखते हैं उनको जिशान भाई कह के ऐसे इंटरव्यू करती थी कि जिशान भाई बताएं ना आपकी शादी कब होगी जिशान भाई आप बताएं आप ये जिशान भाई बताएं आपका नया गाना कौन सा आ रहा है ठीक है वो गाने जो मैंने जिशान भाई के साथ गाए वो उनके वालिद साहब के साथ गाने थे शफाला रोखड़ी साहब के साथ वो गाने गाने थे थफाक़ से जिशान भाई के साथ गा लिए जब टिकटॉक पर मैं हर जगह लिखती थी भाई और किसी जगह इंस्टा पे भी भाई लिखती थी तो उन्होंने क्यों जिंदगी में भाई का जवाब बहन के साथ क्यों नहीं लिखा जब उनके टिकटॉक पे लोग बकवास लिख रहे होते थे कि कहीं आपकी इनसे शादी तो नहीं हो रही है अभी भाई मुझसे उम्र में भी छोटे हैं मेरी एक बच्ची है आपने वहाँ पर क्यों क्लियर नहीं किया कि ये मेरी बहन है मुझे इतना दुख हुआ मुझे इतना अफसोस हुआ इन आप हरकतों का नहीं हाथों उनसे बात नहीं की नहीं मैंने बाद में एक वीडियो भी बनाई थी मगर मुझे ये देखे शोहरत एक पॉजिटिव वे से भी हासिल की जा सकती है जैसे मेरी जिंदगी में कोई ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं है जैसे मैं कोई गलत तरीके से होने की कोशिश करूं मुझे वायरल नहीं होना मगर ना मुझे कोई काम इतना कोई शौक है कि इंडस्ट्री में किसी गलत जगह घुस के मैं काम हासिल कर लूँ जब तक बंदा शरीफ नहीं मैं काम नहीं करूं।